मंजिल तय करते हुए बस एक कटोरा जल बचा है और इसे पी लो प्यास नहीं लगेगी। मुसाफिर को हमको लग रहा है कि प्यास बहुत जोरों से लगी थी और अचेत हो गया है। अपने आचरण से इस मुसाफिर को थोड़ी हवा दो। भूला
भाई इसमें कौन सा मैंने एहसान कर दिया? एहसान अगर आप ना होते तो मेरी जिंदगी ये समाप्त हो जाती। तो एक इंसान की इंसान कोई मेहरबान बनाओ यार में पगड़ी पलटना यार लासान मैं पहचान गया हूं। क्या पहचान गया? कि तुम्हारा ईमान और तुम्हारा धर्म बहुत ही ऊंचा है। लिया पहचान मैंने असली लुत्फा तो क्योंकि जरा सी बात पर तुमने सोनी अपनी जिंदगी हम आपके एहसान से लेकर गए और कभी ना पाया तो ये पठान अपनी जान दे देगा लेकिन आपके फराज से नहीं आने देगा। ठीक है भाई, एक कटोरा जल मेरे जीवन को साकार कर दिया है। मेरे दोस्त क्या बात, अगर तुम मेरे दोस्त बन गए हो, तुमने एक पानी के पीछे अपनी सारी जिंदगानी लुटाने का वादा कर दिया तो इसलिए कहना है कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे छोड़ेंगे हम मगर तेरा वादा ही कर लिया है तो चूंकि मेरी ही मंजिल बहुत दूर है। अभी दूर है जी, कहां जाना है आपको? मुझे बूंदी जाना है। बूंदी नागौर राजधानी मुझे पहुंचना है। अच्छा, और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं बूंदीगढ़ से गौना करवा के आ रहा हूं। ये मेरी धर्म पत्नी है। ये आपकी धर्म पत्नी है? जी जी। भानु जी भाई साहब, ये अगर आपको बुरा ना लगे तो भाभी जी से दो चार बातें कर लूं। अरे इसमें बुराई कैसी?
आपकी इजाजत तो जरूरी है ना। बिल्कुल बेशक। और आज आज सुना है होली का त्योहार भी, क्या सोच रही हैं आप? सोच रही हुई ये, आप मेरे देवर हैं ना? चलो। सोच रही हुई ये कि आज होली का त्योहार है, वो तो है, सुना है। ऐसा समय नहीं मिलेगा, जी चाहता है थोड़ा सा संग में होली खेल ले। होली? वैसी आपकी मर्जी। बाबी, गुलाल मेरे पास है। है? हाँ गुलाल है। तो लाइए ना। चौहान का बच्चा था। अरे लाइए फिर, देरी किस बात की? अरे कितनी देर लगा दी?
गए हमारे माननीय डॉक्टर विजय कुमार मेला प्रबंधक, मेला मालिक, जो कि शुभ अवसर पे, वैसे तो आप एक सम्मानित आदमी हैं, ऐसे मौके पर रुपया दे दिया है आपने। रुपया की बात नहीं है, रुपया तो हर जगह दिया जाता है, लेकिन मौसम में रुपया देना किसी को अकल होना चाहिए। तो ये हमारे डॉक्टर विजय कुमार मेला प्रबंधक मेला मालिक की तरफ से 51 रुपए, ये होली देवर और भाभी के मिलन पे खुश होकर 51 रुपए दिए हैं। शुक्रिया धन्यवाद। माँ सदा कल्याण करो। हेलो हेलो, मंगल शर्मा, मंगल शर्मा होली की तरफ से 20 रुपए माता जी को। अरे कुछ भी नहीं, अरे इतनी मेहनत कर दी, होली क्या हो गई, तुम अपने जीवन भी सुधार कर रखे। होली में सब कुछ गिर जाता है। राजेश शर्मा सहावर, ये उनकी तरफ से ये देवर और भाभी के होली मिलन पर 10 रुपए दिए हैं। हमारे माननीय डॉक्टर मान बहादुर, डॉक्टर मान बहादुर लंबरदार का चौहान प्रवा, इन्होंने 30 रुपए दिए हैं। 20 तो पहले दिएंगे है, 30 फिर दिएंगे। भाई हम बिगर बोले रुपया रक्षित नहीं, हम चोरी नहीं कर पाए, हमसे चाहे रुपया मिलेगा। अपने होली खेल लिया तुमने? हाँ खेल लिया। मेरा दोस्त कैसा लगा? ठीक है मेरा देवर। तो ठीक है, इसका भी ख्याल रखो कि अभी मंदिर बहुत दूर है। अब जब हमारी दोस्ती हो गई है तो मुलाकात तो होती ही नहीं। फिर चले गाजे। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा। ऐसा दोस्त होना कि न जाने परसों तक मैं ढूंढता तो मुझे न मिलता, ऐसा दोस्त। ठीक है, इसके एहसान हम जीवन भर याद रखेंगे। चलता हूं, आराम कर। भैया अब उधर नौधी वाली मीठी लग रही है, मेरे दिल लगता आगे क्या को हमारे कतरिया मीद लगा दी। अरे तो होली है, क्या छोटा बड़ा कुछ नहीं देखा जाता। अजय हम उनके बेटा ही नहीं लगा क्या? हाँ हाँ लगाती, मगर सुन मेरी बात को,
कमर से की छुट्टी कितने देखी थी, सात दिन की। आज कितने दिन हो रहा है, 14 दिन है ना। लेकिन हमारे साम हर बना का क्या फर्ज है, उसने 1,00,000 रुपया जमाना रखा एक दिन का है ना। लेकिन पानी में संसार को हम सिर्फ पाएंगे, कोई बात नहीं। श्री अमर सिंह क्या अपने आप को सोच रखता है, आप सात दिन छोटे ज्यादा हो गए, सात दिन के ज्यादा दिन हो गए हैं अभी तक उसकी कार आदमी चल रही है। एक पर सलाम किया जाता है, हर वक्त सलाम ही लगे जाते हो तो सलाम वालेकुम। Thank you.
बेशक हुआ है। अब तक उसमें कोई हुक्म न डाला, कोई सुल्तानी है। सलावत। अब तक कोई हुक्म न डाला, उसने सुल्तानी है। और खता करे अता क्योंकि वो छत्री लाता। जो कहता हूं सुनो, विचार कर लेना। ए करो सब खता क्योंकि वो छत्री